हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अगर आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन है, वो कोई भी हो सकता है, और स्पेशली तो यहाँ पर मैं पार्टनर की भी बात करूँगी। अगर एसपी ऐसा कर रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे हैं या हस्बैंड वाइफ ऐसा कर रहे हैं कि वो आपके साथ बात नहीं करना चाहते, आपको इग्नोर करते हैं, पता है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्यों, एक जो चीज़ होती है ना किसी भी रिलेशनशिप में, हर चीज़ को जो इंसान पाना चाहता है, जैसे आप हो, आप पाना चाहते हो अपने पार्टनर का लव, केयर, प्यार, सपोर्ट पाना चाहते हो ना आप। आपने उस पार्टनर को, जो भी आपका पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, आपने उस अपने पार्टनर को उन चीज़ों की ना ओवरडोज दे दी है। क्या दे दी है? ओवरडोज। जी हाँ, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपने अब उन चीज़ों की जो ओवरडोज दे रखी है वो देनी आपने बंद करनी है, क्योंकि आपने ओवर कर दिया है हर चीज़, ओवरडोज दे दिया, इसलिए उसको इतनी घिन, इतनी नफरत, इतनी इरिटेशन हो रही है कि दफा करो, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा आपके साथ वो एक्शन या रिएक्शन दे रहे हैं आपको। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है, जो आप ओवरडोज दे रहे थे अपने प्यार की, लव की, केयर की, सपोर्ट की, आपने वो दे देनी, पहली चीज़ बंद कर दी है। जब आप दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप ये देनी बंद कर दो ना, फिर क्या होगा? फिर होगा ये, जब आप दे जा रहे थे, उसको भी लेने में मज़ा आ रहा था, मज़ा भले ही ना आ रहा हो, बट वो ना आपके साथ वो अंदर ही अंदर बड़ा इन्जॉय फील कर रहा था कि ये तो 24 घंटे अवेलेबल है, ये है, मतलब उसकी नज़रों में ना आपकी कोई वैल्यू नहीं थी। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें देना बंद करोगे ना, उसके अंदर में खलबली मच जाएगी, वो परेशान हो जाएगा, अरे ये कल तक तो मेरे पीछे इतना पागल थी, इसको एकदम से क्या हो गया। कोई भी इंसान कभी भी नहीं चाहता जो उसकी पैम्परिंग हो रही है वो उससे छिन जाए, भले ही वो उसको रिस्पेक्ट दे या ना दे, इंपॉर्टेंस दे या ना दे, बस वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो चीज़ें उनसे छिन जाए। बट जब वो छिननी शुरू होगी, छिननी कैसे शुरू होगी उससे, जब आप इन चीज़ों की ओवरडोज देना बंद कर देंगे, धीरे धीरे धीरे, एकदम से भी ना करें, धीरे 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 दूर हो जाए, तो उसको वो दूरी जो होगी वो खलेगी, वो बेचैन होगा, उसको परेशानी होगी, अरे ये हो क्या रहा है। फिर चीज़ें जो आप चाहते हो वो होनी शुरू हो जाएंगी, वो भी आपकी तरफ आना शुरू होगा। ये जो फॉर्मूला है अप्लाई करके देखें और मुझे बताया अपने एक्सपीरियंस, आपके मेरे साथ आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे, और अपने एक्सपीरियंस को कमेंट जरूर कर दिया करें, क्योंकि और लोगों की भी हेल्प हो जाती है इससे, जब आप लोग कमेंट करते हो और लोग आके नीचे कमेंट पढ़ते हैं, और इससे आपका, अगर आपके किसी कमेंट से किसी को पॉजिटिविटी फील होती है, किसी के अंदर एक पॉजिटिवनेस फील होती है, यस इसका हुआ तो मैं भी अपना रिलेशन ऐसे अच्छा करूँगी या करूँगा, तो इससे आपका एक प्योर कर्मा बन जाता है, क्योंकि आपके द्वारा लिखे गए कमेंट से लोगों की भलाई होती है। Thank you for watching.